मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनप्रियाज ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ करनाल से, अपने होम टाउन से। और सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रे आप सब लोगों को। यहाँ पर भी हम लोग नवरात्रि जो है, खेतरी जो है, वो बीत चुकी है। मैं जस्ट नहा कर पूजा करके आई हूँ और मैंने पहनी है ये कुर्ती, बहुत ही सिंपल सी ब्लू कलर की कुर्ती है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर हल्के से ठंड है, ना ठंड है ना गर्मी है, मतलब ठीक सा मौसम है। और मैं जस्ट अपनी ड्रेस ही जो कल मैंने पहनी थी उसे ही धूप लगवा कर अंदर पैक करके रखने वाली हूँ। और अभी मैं आपको खेतरी के दर्शन भी कराती हूँ। तो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है और अभी लंच की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी हम लोग लंच वगैरह करेंगे, लंच बनाने के लिए जाएंगे, अभी सब्जी लेकर आनी है और बाकी सब काम होना है। अभी जस्ट बैग की मैंने अनपैकिंग की है, अलमारी में सारे लगाए हैं, बैग को अंदर रखा है। तो सुबह से बस यही काम लग रहा था इसलिए ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी जस्ट ब्लॉग स्टार्ट किया है और पिछले वाला ब्लॉग एंड किया है, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब मैं थोड़ा सा लंच का काम कर लूँ, देन आपसे बात करती हूँ। टिप टॉप टिप येलो लाइट लाइट आए ना वन ओ एन ई थ्री टी एच आर उसे कम से कम भी भरने के लिए तीन घंटे चलाएंगे। ये हमारी प्रिंसेस है ना। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और लंच करने के बाद मैं सो गई थी और अभी जस्ट मैंने चेंज किया है। हम लोग बाहर थोड़ा सा चाट वगैरह खाने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की चाट और यहाँ की चाट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे भी पसंद होता, सॉरी पानीपुरी मुझे बहुत पसंद है पुणे की, महाराष्ट्र की। मुझे यहाँ पे पानीपुरी बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वहाँ की पानीपुरी अच्छी लगती है। और का मतलब सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला था आप लोगों से बात करने के लिए। अभी जस्ट मैंने अपनी ड्रेस को जो है वो ठीक किया है, उसका टांका जो है वो उधड़ गया था, उस वजह से पूरी लेस जो निकल गई थी। तो इस वजह से मैंने अपनी ड्रेस को अभी ठीक किया है, अभी से कवर कर मैं अंदर रखूँगी और कपड़े मैंने जो है वो तैयार लगा कर अलमारियों में रखे हैं। तो जस्ट अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी ड्रेस का क्या किया है। ये थी मेरी ड्रेस, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख ली होगी। और यहाँ पर था ये वाली लेस जो है वो यहाँ से सारी उधड़ गई थी और इधर से भी उधड़ गई थी, ये देखिए इस तरीके से। तो इसे मैंने पूरा सिला है, इधर का पोर्शन अभी रह गया, इसे मैं पूरा कवर करके अच्छे से सिल दूँगी और इसे कवर करके मैं बेड के अंदर डाल दूँगी। तो ये था, अभी मैं फिर आपको कभी अपना रूम टूर दिखाऊंगी, अभी तो हूँ मैं एक वीक यहाँ पर। तो अभी तो फिलहाल यही काम कर रही थी और अभी पुनीत जो है आ रहे हैं, तो तब हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से आकर देखते हैं कि क्या करना है। वैसे डिनर का टाइम हो जाएगा तो डिनर बनाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे घर का हाउस टूर देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए शूट करूँगी। तो छोटा सा घर है हमारा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने किचन टूर शूट किया है, अगर आपने देखना है तो कल तक का आपको वेट करना पड़ेगा किचन टूर के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको, बाकी फ़िलहाल अभी हम निकलते हैं मार्केट के लिए, देन आपसे बात करती हूँ। मार्केट से आने के बाद मैं मंदिर में जोत जलाने गई थी। ये है हमारे घर का छोटा सा मंदिर,
जहाँ पर हम पूजा करते हैं, ये यहाँ मेरे होम टाउन का मंदिर है, मेरे इन लॉज के घर का। सभी पूजा वूजा के लिए सभी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और ये हमारी खेतरी है, खेतरी के आप दर्शन कर लीजिए। और अभी मैं फटाफट से जोत लगा रही हूँ, इवनिंग में, मॉर्निंग में भी लगाई थी तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो इसलिए इवनिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी जस्ट मैं जोत लगाऊंगी, देसी घी की जोत लगाते हैं, और फटाफट से अब जोत लगा कर देन माथा टेक कर मैं बाहर जाकर डिनर की तैयारी करूँगी। नाउ इट्स डिनर टाइम, और अभी हम बना रहे हैं दाल चावल। दाल में हमने मूंगी मसूरी की दाल बनाई है, जो येलो और पिंक कलर वाली होती है, और बन के जो येलो हो जाती है वो वाली दाल बनाई है। और यहाँ पर मैं बिना रिफाइंड वाले चावल बना रही हूँ, जस्ट जीरा, काली मिर्च और नमक डालकर उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, वही दो गुना पानी, आपको जितना ऐड करना उतना कीजिए। और उसके बाद चावल डालकर मैं डिनर रेडी हो जाएगा, और फिर मैं देखती हूँ कि क्या करती हूँ, अगर मैं शूट कर पाई तो बाकी भी शूट करूँगी। गाइस, आज है डे टू मेरा यहाँ पर, और हम लोग जस्ट ऐसे ही बैठे थे, सुबह से टाइम ही नहीं लगा आप लोगों से बात करने का, थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे। कल जो है हम लोगों को पूजा करने जानी है, और नवरात्रे हैं तो हम लोग घर पर जो है कीर्तन करवाएंगे, यानी कि सत्संग करवाएंगे, और सभी बैठ कर इंजॉय करेंगे। कभी कभी अच्छा लगता है, वहाँ पर तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मम्मी ने बोला कि जब तू आएगी मैं कभी करवाऊंगी, तो आज मम्मी ने, कल रखा है मम्मी ने, और हम लोग भी प्रसाद लेकर आए हैं, मम्मी और मैं जाकर, मम्मी मैं भाभी जाकर प्रसाद लेकर आए हैं। तो प्रसाद अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम क्या लेकर आए हैं। थोड़ा बहुत सामान पापा लेकर आएंगे, और अभी ही जो कीर्तन का सामान है वो भी लेकर आना है, यानी कि ढोल छन्नी और ये सब सामान। तो सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान लेकर, कीर्तन के लिए हम लोग ये प्रसाद लेकर आए हैं, जिसमें हैं ये मरूंडे गोल वाले 5 इंच के, ये पॉलिथीन, और ये पेठा, और अभी फ्रूटी आ जाएगी, वो सब डालकर हम जो है प्रसाद के पैकेट बनाएंगे रात में। और कीर्तन का भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल, तो अभी फ़िलहाल इसे मैं बाहर रख कर आती हूँ, और उसके बाद रात में बैठकर हम पैकिंग करेंगे। तो ये था थोड़ा सा सामान जो हम लोग लेकर आए थे कीर्तन के लिए, और कल कीर्तन का भी वीडियो मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी, जितना कर पाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं अपना जो कपड़े हैं वो ठीक करवा कर लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या कपड़े मैं लेकर आई। कपड़े मैंने ठीक करवाए हैं, ये चेक शर्ट है जो मैंने ली थी FC रोड से, पुणे से, 350 या 450 रुपये की थी, मैं कल पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसी दिखती है। इसकी भी फिटिंग करवाई है, एक ये रेड कलर की कुर्ती थी जो मैंने करवा चौथ पे ख़रीदी थी, सोचा था करवा चौथ पे पहनूंगी, लेकिन मैं पहन नहीं पाई थी। तो ये कुछ कुर्ती इस तरीके की थी, और ऐसी है, नीचे स्टोन लगे हुए हैं और उसके ऊपर ये श्रग है। इनकी फिटिंग करवाई है मैंने, ऐसा कुछ है। और एक ये वन पीस है मेरा, जिसकी मैंने लेंथ कट करवाई है, और ऐसी है ये फुल लेंथ हार्ट शेप में। और एक नाइटी है ये रात को पहनने के लिए, सभी कपड़े मैं अभी ठीक करवा कर लेकर आई हूँ, तो अभी पहन कर देखना है मुझे कि कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद ही देखते हैं कि अगर कुछ और ठीक करवाना है। यही था थोड़ा बहुत जो सामान आज ये सब किया, टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम दूँ, हम 6 महीने 7 महीने बाद आते, आप भी समझ सकते हैं कि हमें फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।